रोहतास जिले के सासाराम में दिनांक 13 जून 2021 को जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर स्कूल फी माफ करने, अस्पताल की बेहतर व्यवस्था करने, कोरोना मृतकों को मुआवजा देने, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को रिहा करने, राशन कार्ड से वंचित लोगों को नाम जोड़ने और डेहरी स्थित अनुमंडल अस्पताल में प्लांट के निर्माण कार्य शुरू करने सहित 7 सूत्री मांग को लेकर जाप जिला अध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय सासाराम में काली स्थान से पोस्ट ऑफिस तक लोकायाएं मार्च किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जाप के प्रदेश महासचिव लाल साहिब ने सरकार में बैठे लोगों को संवेदनहीन बताया तथा कहा कि मरीजों तथा जरूरतमंद को सेवा करना इस सरकार में जुर्म सा हो गया है। पप्पू यादव जी के कार्यों तथा लोकप्रियता सरकार में बैठे लोग घबरा गए हैं, जिसके कारण उन पर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई किया जा रहा है। आंदोलन में उपस्थित जाप नेत्री रिजवाना खान ने सासाराम सहित जिले के सभी नगर परिषद की साफ सफाई की मांग किया। इस दौरान जाप के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार, जिला प्रधान महासचिव विनोद सिंह यादव, युवा परिषद के जिला अध्यक्ष रोहित आनंद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरफुद्दीन अंसारी, अनिल सिंह यादव, नौहटा प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार, तिलौथू प्रखंड अध्यक्ष रविन्द्र कुमार, मु महमूद, अक्षय कुमार, कुरैशा बीबी, तेतर खातून, मुमताज खातून, नूरजहां खातून, प्रमोद कुमार, मनीष कुमार आदि पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे की रिपोर्ट। मृतकों की आंकड़ा की समीक्षा किया जाए, जो बार बार राज्य सरकार छिपा रही है, जिला प्रशासन छिपा रहा है, उनको मुआवजा मिले। जो स्कूल बंद है और फी वसूल ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। स्कूल नहीं तो फीस नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आज सबसे दुर्लभ स्थिति में तैयारी करने वाले छात्र नौजवान है, जिला सहित राज्य भर में वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं, इसलिए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आदरणीय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी, जो अभी उनको जबरन राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई किया जा रहा है, जेल में बंद है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर जो राशन कार्ड में जिले भर से बहुतायत में लोग राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, वो बार बार ब्लॉक में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और राशन कार्ड में उनका नाम नहीं ऐड हो पाता है। हम जिला प्रशासन से राशन कार्ड में उन तमाम युवाओं को, नौजवानों को, गरीबों को, वंचितों को नाम जुड़ाने के लिए, स्कूल में फी माफ करने के लिए, बेरोजगारी भत्ता माफ देने के लिए, पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर एवं सासाराम नगर परिषद जो कि वर्तमान स्थिति में खंडहर बना दिया है, सासाराम में कहीं कहीं जल जमाव है, नालियां गलियों में घरों में घुस रहे हैं, ये नगर परिषद की सबसे बड़ी खामी है। और सदर हॉस्पिटल जो जर्जर अवस्था में, इसकी बेहतरी सहित उप स्वास्थ्य केंद्रों की बेहतरी हमारी प्रमुख डिमांड है। और हम तमाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जिले में उग्र प्रदर्शन को मजबूर होंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। विशाल कुमार, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी, रोहतास। लोक नायक मार्च आज हम लोगों ने रोहतास जिला के मुख्यालय में हम लोगों ने किया है। जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार राज्य व्यापी आंदोलन आज हम लोग का था और उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ डीटी रोड पर अपना सासाराम शहर में घूम करके आज हम लोगों ने न्याय मार्च किया है। हम लोग का 5 सूत्री मांग था कि हॉस्पिटल का जो दुर्दशा है वह दुर्दशा को सुधारा जाए और यहाँ बच्चों का जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं इसके बाद में फीस की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। और जो हालात परिस्थिति है इस जिले की, इस जिले से हम रोहतास के जिला पदाधिकारी महोदय से और राज्य सरकार के जो विफलता है उसको, उसकी मांग को लेकर के हम लोगों ने आज मार्च को किया है। यदि पप्पू यादव जी की रिहाई यदि नहीं होती है तो इसके लिए हम लोग आने वाले भविष्य में उग्र आंदोलन की तो शुरुआत हम लोगों ने किए हैं, लेकिन इसके बाद में उग्र आंदोलन हम लोग आकर के इस रोहतास जिला के धरती पर हम लोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद।